है hey स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 19 एनिमल बिहेवियर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इसमें सबसे पहले एम हैं और वो एम जो बुक के अंदर आपके पास दिए हुए हैं उन एम को आज हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इन एम को सॉल्व करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल बिहेवियर की एक्सरसाइजेस को और उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहला एम सी क्यूज है द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड और कंटिन्यूसटमेशन स्कॉल्स जब कंटिन्यूस या फिर रिपीटेड uh, स्टमस आता है तो उसके लिए एक एनिमल के अंदर उसका बिहेवियर जो है उसका रिस्पॉन्स वो कम हो जाता है वो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं तो इस बिहेवियर को कहते हैं हैबिचुएशन क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाता है उसके लिए वो कंडीशन क्या हो जाती है उसके लिए वो कंडीशन रिपीटेड हो जाती है कंटिन्यूस स्टिमुलेशन उसको आ रही है तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा और इस कंडीशन को हम हैबी कहते हैं तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो बी होगा उसके बाद नंबर टू है साइक्लिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्स टू पीरियडिक इन्वायमेंटल चेंजेस तो फिजियोलॉजिक एक्टिविटीज़ जो है वो उनका पैटर्न होता है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिपीट होता है और पीरियडिक इन्वामेंटल चेंजेस की वजह से वो रिस्पॉन्स के अंदर आता है यानी कि एक ऐसा फिजियोलॉजिकल पैटर्न हमारे अंदर चल रहा है जो कि पीरियडिक इन्वामेंटल चेंजेस uh, जो हैं मतलब कि एक ऐसी इन्वामेंटल चेंजेस जो कि एक ख़ास वक्त के बाद वो चेंजेस आ रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा पैटर्न डेवलप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स और इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर बी होगा बाकी यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये हमारे का अंदर का सिस्टम होता है जो कि इस पूरे पैटर्न को फॉर्म करता है वो सिस्टम जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है तो ये यहाँ पर नहीं होगा सर्केडियम रिदम हम डे और नाइट रिदम को कहते हैं तो ये भी नहीं होगा सिर्फ यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा उसके बाद नंबर थ्री है अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अर्ड आर अवे फ्रॉम पर्टिकुलर स्टिमुलस इज कॉल्ड तो डायरेक्शनल जो मूवमेंट होती है एक डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं टेक्सिस तो इसका तो ऑप्शन तो 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 बी जो है वो करेक्ट होगा तो इन तीनों के अंदर हमने देखा बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है उसके बाद नंबर फोर के अंदर है तो सिंपलेट फॉर्म ऑफ लर्निंग सिंपलेस्ट फॉर्म जो लर्निंग का है वो कौन सा है इन विच एनिमल लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड आर इग्नोर द रिपीटेड स्टिमलाज तो इसके अंदर रिपीटेड स्टिमलास को एक ऑर्गेनिज्म इग्नोर करना सीखता है ये लर्निंग का फॉर्म क्या कहलाता है ये वही है हैबिचुएशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म हैबिचुअल हो जाता है यानी कि वो पिछली चीज़ों को याद रखता है लर्न कर रहे थे। तो बार बार वही चीज़ें वही चेंजेस आ रही हैं वही स्टिमुलस आ रहा है तो उसको एक ऑर्गेनिज्म लर्न कर लेता है और बार बार उसको उस स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो इसको हम कहते हैं हैबिचुएशन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्टिंक्ट बिहेवियर तो यहाँ पर कौन सा बिहेवियर है जो इंस्टिंक्ट नहीं है तो सेलमन फिश का ये इंस्टिंक्ट है माइग्रेशन और डांसेज ऑफ़ हनी भी ये भी इंस्टिंक्ट बिहेवियर है टेरिटोरियल बिहेवियर इन गोरेलाज ये इंस्टिंक्ट नहीं है ये एक सोशल बिहेवियर है जो कि गोरेलास शो करते हैं तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी भी यहाँ पर नहीं होगा जो कि एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर है उसके बाद नंबर सिक्स है वॉल्फ कोलर इन 1920s परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ तो वॉल्फ वो के कोलर ने जो है साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट uh, जो परफॉर्म किया था वो किस पे किया था तो वो चिमपन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है आपके पास तो ये तीन हमारे पास सॉल्व हो गए उसके बाद नंबर सेवन पे आते हैं वर्कर हनी बी आर जो वर्कर हनी बीज होते हैं हमने हनी बी के अंदर देखा था कुछ वर्कर होते हैं कुछ आपके पास ड्रोन होते हैं तो उसमें जो वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं फर्टिलाइज फीमेल्स स्टीराइल फ़ीमेल फर्टिलाइल मेल या फिर स्टीराइल मेल्स uh, तो इसमें इसका आंसर जो होगा वो सी करेक्ट होगा वर्कर हनी बीज आर स्टीराइल फीमेल्स तो ये स्टीराइल फीमेल होती हैं इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा उसके बाद नंबर एट है एगोनस्टिक बिहेवियर इज़ अ टाइप ऑफ एगोनस्टिक बिहेवियर जो है वो किसका टाइप है ये एक सोशल बिहेवियर का टाइप है तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा नंबर नाइन है माइग्रेशन ऑफ सैलमन फिश इज़ एन एग्जांपल ऑफ तो सेलमन फिश का जो माइग्रेशन है वो एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है तो यहाँ पर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ये करेक्ट ऑप्शन होगा स्किनर बॉक्स वाज यूज्ड फॉर स्किनर बॉक्स किसके लिए यूज़ किया गया था तो ये हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के लिए ये बॉक्स यूज़ किया गया था जिसके अंदर एक चूहे को पुट गया किया गया था तो यहाँ पर यहाँ पर लिखा है ऑपेरेंट लर्निंग ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को हम ऑपेरेंट लर्निंग भी कहते हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा तो इस तरह से ये आज के एम सी क्यूज हमने सॉल्व किए जो भी इसके अंदर बुक के अंदर मौजूद थे होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच